22 तारीख को जैसे संयुक्त मोर्चा का फैसला है, हम ना कि पूरी पब्लिक लेके, हम एक जत्थे के रूप में जाएंगे जिसमें सभी संगठनों की भागीदारी होगी, एक जत्थे के रूप में जाएंगे और वो 200 आदमियों का जत्था होगा वो संसद पे जाएगा, क्योंकि संसद कूच करना एक बड़ी बात है। देखो संसद कूच में हम एक शांति प्रिय जाने लग रहे हैं, संसद कूच में हमने कोई गैदरिंग नहीं की, हम एक छोटे जत्थे के रूप में जा रहे हैं और सभी जिम्मेवार आदमी जा रहे हैं, संगठनों के जिम्मेवार आदमी जाएंगे और सभी संगठनों के पदाधिकारी जिम्मेवार आदमी ही उसमें जाएंगे, तो उसमें किसी प्रकार की कोई ये नहीं होनी चाहिए और न ही सरकार की तरफ से कोई आपत्ति होनी चाहिए। अगर सरकार को आपत्ति, हम बैठ के बात कर लेंगे और मेरा मानना है बातचीत के जरिए सारी चीज़ें सुलझाई जाती हैं। अगर बड़े से बड़े बड़ा कोई भी, चाहे विदेशों के साथ, विदेशों में कोई मसला हो, चाहे आपस में एक दूसरे देश का हो, तो भी वो एक टेबल पे वार्ता से सुलझता है। तो हम सरकार को ये भी कहना चाहेंगे वो बैठ के वार्ता करके इसका किसी न किसी तरीके से निष्कर्ष निकालें। अगर निष्कर्ष निकालना है तो किसान के, लेकिन वार्ता तो उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है, कृषि मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि आप रात में भी आ सकते हैं, 12 बजे भी किसानों के लिए दरवाजे खुले हैं, बात करना चाहें बात कर सकते हैं। नहीं, वो गलत बता रहे हैं ना, बिल्कुल आप लोगों को, इस जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं जो कृषि मंत्री जी हैं। वो इस प्रकार का भी अहंकार उन्होंने पाल रखा, हमने 12 बार बात कर ली, क्या बात है, कौन है कृषि मंत्री, कौन है हमारे बनाए हुए हैं, वो ये क्यों मान रहे हैं कि वो दूसरे हैं, माने वो हमारे बनाए हुए हैं और उन्होंने हमारे से बात करने में 12 बार बात किया। इस किसान वर्ग से बात से 50 बार करनी पड़े, 100 बार करनी पड़े, इस दौरान अगर वो 100 बार भी बात करके इस मामले को सुलझा देते आज से पहले तो बेटर होता, आज से बेहतर होता। क्यों, किसान के आगे कोई हठधर्मिता अच्छी नहीं है, हठधर्मिता अच्छी नहीं है। कृषि मंत्री हमारे बनाए हुए और हमारे बीच से ही गए हुए हो, उनका ये बनता है कि वो बैठ के इस मामले को सुलझाएं, क्योंकि हम उनको इसलिए कह रहे हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि कानून तो वापस नहीं होने के, आप उसमें संशोधन कर सकते हैं, बात करें फिर उसमें बात क्या करें, ये बातें ये नहीं होती है, ये बैठ के कमरे के अंदर होने की बातें हैं। ये किसान संगठन के साथ अपने ना किसान मोर्चे के साथ अपनी वार्ता करें, वार्ता में कोई निष्कर्ष निकलता, अब ये अभी कोई झगड़ा हो गया पंचायत में, पहले ये नहीं होता, तेरा ये फैसला हुआ तू वहाँ जा, ये उनकी बिल्कुल सरासर गलत बात है जो हमारे से कंडीशनल बात करना चाहते हैं। बैठ के जिस तरीके का भी समाधान होगा, एक आध कदम किसान संगठन आगे पीछे हो या एक आध कदम सरकार आगे पीछे हो, वो बैठ के होता है, वहाँ मौके पर बातें होती हैं, बातें पहले कंडीशनल बात नहीं होती और कंडीशनल बात किसान करेगा भी नहीं। लेकिन संशोधन के लिए किसान तैयार है अगर ऐसी कोई बात बनती है? देखो वो बैठ के ही बातों का पता चलता है, वहाँ पे बैठ के क्या भूमिका रहेगी उस टाइम पे, क्या बातें होंगी, क्या सरकार की तरफ से बात आ रही, वो बैठ के ही बात का निष्कर्ष निकलेगा। ऐसे नहीं होता कि उन्होंने बुला लिया और कंडीशनल बात करने किसान नहीं जाएगा। इन्होंने तो अपना अहंकार पाला, किसान ने स्पेशल पत्र लिखा हमारे संयुक्त मोर्चा ने, अब वो क्या चाहते हैं, वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ये बात जब किसान संगठनों ने पत्र लिख दिया, किसान मोर्चे ने पत्र लिख दिया कि हम बात करने के लिए तैयार हूँ, हमारे को तारीख क्यों नहीं बताते, वो हमारे से कंडीशनल बात करते हैं या और कुछ कहते हैं, किसान तैयार नहीं, तो किसान तैयार नहीं, ये बात झूठ है। और वो हमारे से बात करें, बात करने से ही पता चलेगा। और किसानों ने अपनी तरफ से, संयुक्त मोर्चे की तरफ से स्पेशल पत्र लिख दिया, एक लिखित में हमने दे दिया कि हम बात करना चाहते हैं, हमारे साथ बैठ कर बात की जाए। तो लेकिन और पहले भी इसी तरह से हुआ है कि जो हमारी केंद्र सरकार है उसके तरफ से डेट आई है और हर बार किसान वहाँ गया, बातचीत की है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए, मनोहर लाल खट्टर साहब बोल रहे हैं कि किसान एक पवित्र है, उसको कुछ नेता बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको अखंडता बिगाड़ रहे हैं। कौन कह रहा है ये बात? खट्टर साहब कहते हैं, खट्टर साहब किसान को पवित्र नहीं मानते। अगर वो दिल से किसान को पवित्र मानते तो हरियाणा की भूमि पर लाखों किसान बैठे हैं रोडों पे, और हर रोज वहाँ दंगे कराए जा रहे हैं, कभी टोहाना के रूप में, कभी हिसार के रूप में, कभी कहीं, कभी पीछे झज्जर मुकदमे दर्ज करने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगाओ या सरकार के द्वारा लगाओ, बार बार में वहाँ इस तरह के षड्यंत्र भी रचे गए हैं। आप सिंगू बॉर्डर पे कितने किसान बैठे, टीकरी बॉर्डर, डासा बॉर्डर, पलवल बॉर्डर, शाहजहाँपुर बॉर्डर, आज हरियाणा की दहलीज पे लाखों में किसान बैठे हैं। अगर वो किसान को पवित्र मानते तो वो बात करते, अपनी तरफ से पहल करते, वहाँ किसानों के लिए कुछ सुविधा करते। वो बिल्कुल गलत बता रहे हैं ये बात, किसानों के लिए एक भी सुविधा नहीं। आप शाहजहाँपुर बॉर्डर पे जाओ, आप डासा बॉर्डर पे जाओ,
लाइट तक का प्रबंध नहीं, आप टीकरी बॉर्डर या सिंघू बॉर्डर जाओ, लाइट तक का प्रबंध नहीं, सफाई तक की व्यवस्था नहीं, तो ये बात अगर वो पवित्र मानते हैं तो किसानों के लिए वहाँ सभी दामों आए कराएं और इनके लिए बिजली पानी हर चीज़ की सुविधा करें और इनसे बात करें, बातचीत से मुद्दा सुलझेगा। लेकिन जिस तरीके से हरियाणा में पंचायत चुनाव भी आ रही है, यूपी में भी हो चुके हैं चुनाव पंचायत, लेकिन वहाँ का नतीजा तो आपने देखा ही है, 75 में से 67-68 सीटें बीजेपी हासिल कर ले गई। क्या लगता है हरियाणा में भी ऐसा ही माहौल बनेगा? देखो अभी अभी क्या है, अभी बंदूक की नोक पे 75 की 75 भी कर लेते, ये बंदूक की नोक पे अपना काम कर रहे हैं। जो लोगों ने इनको वोट नहीं दिया, अगर लोग वोट देते तो इनकी 3 की 3 हज़ार सीटें आती, लोगों ने इनको वोट नहीं दिया, लोगों ने इनको 600 सीटें जिताई थी, 600 कितनी थी, 600 कुछ सीटें जिताए थे, लेकिन यह अपनी बंदूक के जरिए लगाओ या अपने पैसे के बल के जरिए किसी भी प्रकार से ये श्याम दाम दंड भेद लगा के ये ज़बरदस्ती अपनी सरकार बना रहे, तानाशाह रवैया अपना रहे हैं। और जैसे अभी पंचायत चुनाव की कही, लोगों ने इनको वोट नहीं दिया था, लोगों ने वोट नहीं दिया, मतलब वोट तो पड़ा था ना, वोट पड़ा था, इनकी 600 सीटें आई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा अध्यक्ष बना के बैठे हैं। अध्यक्ष बना वो मैं आपको बताने लग रहा हूँ, ये बंदूक की नोक पे बना रहे हैं, ज़बरदस्ती बना रहे हैं, जिसके पास पूरी गिनती नहीं उसको भी बना रहे हैं, ज़बरदस्ती लोगों के दस्तक करा रहे हैं, तो ये इतना तानाशाह रवैया लंबा नहीं चलेगा। तो आपका लगातार 8वें महीने में चल रहा है किसान आंदोलन और आगे भी आप कह रहे हैं लगातार जारी रहेगा, तो ऐसी क्या दिक्कतें आ रही है, इसका समाधान अभी तक नहीं हो पा रहा है, किसान और सरकार के बीच तनातनी का माहौल है? देखो हम बिल्कुल भी किसी रूप से भी टकराव नहीं चाहता किसान, हम अपनी समस्याओं को लेके रोडों पे बैठे हैं, सरकार के दरवाजे पे बैठे हैं और सरकार हमारे को बुलाए, हमारे साथ वार्ता करे और हमारा हल निकाले, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन किसान अपने आंदोलन को ही आगे बढ़ाते हुए पूरे देश के आंदोलन की तरफ बढ़ रहे हैं, अब पेट्रोल डीजल का है, गैस का है, सब मुद्दों को लेकर आगे चल रहे हैं किसान अपने आंदोलन के ही जरिए। देखो हम एक बात बताएं आपको, अपने आंदोलन के जरिए थे सारी चीज़ें, किसान मजदूर एक है, आज मजदूर की भी आवाज़ किसान को तो उठानी पड़ेगी, किसान और मजदूर का चोली दामन का साथ होता है, और जो हमारे जैसे दूध के व्यापारी हैं, डेयरी वाले भाई भी आज भी अभी मीटिंग करके गए हैं, तो वो भी पूर्ण रूप से पूरे देश के लेवल पे सभी डेयरी वाले भी इकट्ठे होने लग रहे हैं, तो जो डेयरी वाले हैं वो भी एक किसान ही समझो उनको, ये किसान का ही दूसरा पार्ट है, और आज हर आदमी त्रस्त है, नौकरी वाला भी, छोटी अपनी नुक्कड़ पे दुकान चलाने वाला, रेहड़ी पटड़ी वाला, सभी त्रस्त हैं, सभी भाइयों को जोड़ेंगे और सभी की समस्याओं को लेके चलेंगे, और इसी प्रकार से अगर एकजुट रहेंगे तो सभी की समस्याओं का हल भी होगा। लेकिन किसानों ने बीड़ा क्यों उठाया, बाकी जो राजनीतिक पार्टियां वो कहाँ हैं इस समय? वो विपक्ष कमज़ोर है ना, विपक्ष अगर मजबूत होता तो फिर ये बात ही नहीं होती। तो ऐसा माहौल क्यों पड़ा जो विपक्ष कमज़ोर हो गया इतना, जिस तरीके से महंगाई को लेकर भी ज़्यादा सामने नहीं दिखा पा रहे, पिछली सरकार थी जब बीजेपी की थी उस समय कांग्रेस की थी, उस समय बीजेपी बड़े आगे बढ़ के भागीदारी बनती थी, लेकिन इस समय कांग्रेस दिखती ही नहीं कहेंगे। बीजेपी का उस टाइम पे भी गिनती ज़्यादा थी, सांसद ज़्यादा थे, और विपक्ष एक अहम भूमिका निभा रहा था उस टाइम पे भी, और आज का विपक्ष एकजुट होगा और एकजुट होके ये लड़ाई जीती जाएगी, इनको भी सोचना पड़ेगा, एकजुट नहीं होंगे तो ये कहीं ना कहीं ये लड़ाई आज किसान को लड़नी पड़ रही है। किसान को क्यों लड़नी पड़ रही है? अपने अधिकारों को लेके। हमने विपक्ष का काम होता है कोई भी गलत नीति बने तो उसका विरोध करने का, विपक्ष कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ उठाने में पूरे तरह सक्षम नहीं है, तो किसान को रोडों पर आने की नौबत आई, तो पहले भी इस प्रकार के तब कानून बने हैं, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में लगाओ या मनमोहन जी की सरकार में लगाओ, तो भी आवाज़ उठाई तो उन लोगों ने तुरंत बात मान ली है, मानी भी है और समाधान भी हुआ है, लेकिन अब की बार जो ये हमारे प्रधानमंत्री जी हैं बात मानने के लिए तैयार नहीं। वहीं यूपी में चुनाव भी आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव है 5 राज्यों में, खासकर यूपी पे किसानों का फोकस रहेगा जैसे बंगाल में रहा था। हाँ, क्या लगता है बंगाल की तरह यूपी में भी बंगाल से ज़्यादा फोकस रहेगा किसानों का उत्तर प्रदेश पे, क्योंकि यहाँ पे मोर्चे चले हुए हैं और ये हरियाणा और पंजाब के बिल्कुल लगता हुआ प्रदेश है,
और बिल्कुल एक विचारधारा के हैं, हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, और ये बिल्कुल नज़दीक है, तो हरियाणा से भी लोग यहाँ आएंगे, पंजाब से भी, और जो संयुक्त मोर्चा जिसकी ड्यूटी जहाँ लगाएगा वो उसी रूप में काम करेगा, और हम इन लोगों के खिलाफ वोट डालने के का प्रचार करेंगे, क्योंकि ये हमारे को गाइडलाइंस संयुक्त मोर्चा ने दी है। संयुक्त मोर्चा ने ये बात क्लियर कर दी कि हम बीजेपी के खिलाफ वोट मांगेंगे और लोगों को मतलब वोट डालने की अपील करेंगे। जिस तरीके से योगी जी कहते हैं कि इस बार भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी यूपी के अंदर, यानी योगी जी फिर से मुख्यमंत्री रहेंगे, ऐसा उन्होंने बयान दिया है, इस पर वो कितना सफल है उनके लिए? देखो, योगी जी सत्ता की दहलीज तक भी नहीं जा पाएंगे अब की बार, क्योंकि किसानों के साथ कितना अत्याचार यहाँ हुआ है, बार बार यहाँ पे जातीय रंग देने की कोशिश की गई है बीजेपी के द्वारा। योगी जी भी हैं तो बीजेपी के ना, तो कहीं ना कहीं उनको जो ऊपर जो ये आरएसएस और बीजेपी की जो छाप है वो उनको सत्ता की दहलीज तक भी नहीं पहुँचने देगी।